पचम्बा में ललन भैया बैठे हुए हैं, इनका जमीन हम हड़पने वाले हैं, केस मत कर दिया। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने कहा कि मैं ललन की जमीन हड़प लूंगा। ललन की जमीन हड़प कर वहां पर स्किल डेवलपमेंट का काम किया जाएगा और उस जमीन को हड़पने के बाद ललन मुझ पर केस ना करे, ये बात गिरिराज सिंह मंच पर खुलेआम कहते नजर आए। गिरिराज सिंह ने कहा कि मैं ललन की जमीन को हड़पने वाला हूँ, ललन भैया की जमीन है उसे मैं हड़प लूंगा और मैं ललन भैया को कह देता हूँ कि वो मुझ पर केस ना करें और उसी जमीन पर स्किल डेवलपमेंट का काम किया जाएगा। ये बात गिरिराज सिंह मंच पर खुलेआम कहते नजर आए। आप एक बार गिरिराज सिंह के बयान को सुन लीजिए। पचम्बा में ललन भैया बैठे हुए हैं, इनका जमीन हम हड़पने वाले हैं, केस मत कर दिया। वहां जो काम चल रहा है सिलाई का, वहां और 5300 स्क्वायर फीट है, एक वो वहां हब रहेगा, एक स्किल डेवलपमेंट ऊपर में रहेगा राहुल जी की छत। आपने देखा कि बीजेपी के केंद्रीय मंत्री और फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने खुलेआम इस बात का ऐलान कर दिया है कि मैं ललन भैया की जमीन को हड़प लूंगा, जिसे जो करना है कर ले, लेकिन मुझ पर केस मत कीजिएगा ललन भैया, और उसी जमीन पर स्किल डेवलपमेंट का काम किया जाएगा। दरअसल गिरिराज सिंह अपने बयानों के लिए खूब चर्चा में रहते हैं, चाहे वो हिंदू मुस्लिम पर बयान देना हो, वो लगातार इस बयान को लेकर खूब सुर्खियां भी बटोरते हैं। खास तौर पर मुस्लिम समुदाय को लेकर गिरिराज सिंह मोर्चा खोले नजर आते हैं, वो मुस्लिम समुदाय की कमियों और खामियों को गिनाते हैं, उनके खिलाफ बातें करते हैं। बीते लोकसभा चुनाव में गिरिराज सिंह ने यह भी कह दिया था कि मुझे मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, और इन तमाम बयानों की वजह से पिछले कुछ दिन पहले एक खबर निकलकर सामने आई जहां पर गिरिराज सिंह पर एक मुस्लिम युवक ने हमला भी किया था और गिरिराज सिंह इसका बयान देते नजर आए। उन्होंने कहा कि मुझे मारने की कोशिश की गई, मुझ पर हमला किया गया, जिसके बाद उस युवक की गिरफ्तारी हुई, लेकिन अब गिरिराज सिंह हिंदू मुस्लिम पर बयान देने के लिए सुर्खियां बटोरते तो हैं, लेकिन अब एक बार फिर से गिरिराज सिंह सुर्खियों में इस वजह से हैं क्योंकि गिरिराज सिंह ने मंच पर खुले तौर पर यह ऐलान कर दिया है कि मैं जमीन हड़प लूंगा, ललन नाम के एक नेता की जमीन हड़प लूंगा, ललन भैया का जमीन हड़प लूंगा, जितने एकड़ की वहां जमीन है उस जमीन का अधिग्रहण कर लूंगा और उसके बाद वहां पे स्किल डेवलपमेंट का काम कराया जाएगा। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल।